अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे जहाँपना मटन जूसी मंदी रिच ग्रेवी के साथ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं मसाले ली, जीरा 2 स्पून, काली मिर्च आधा स्पून, शाहजीरा 1 स्पून, 2 लौंग, 4 इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 2 दालचीनी के चकले, 2 चक्रफूल, 2 स्पून सौंफ, 2 स्पून धनिया पाउडर। ये सब चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अब हम ग्रेवी के लिए एक बर्तन ले लेंगे, इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ले लेंगे। साथ में हम हरी मिर्च ले लेंगे, 10 से 12 हरी मिर्ची ले ली मैं। इसको हम इस तरह से तोड़ के ले लेंगे तो जल्दी पकती है। अब हम इसमें 25 ग्राम काजू डाल देंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे गलने के लिए। इसको पूरी तरह से नहीं गलाना। अब हम इसको गैस पर रख के पानी पूरा ख़त्म होने तक पका लेंगे। इसको पूरा ऑब्जर्व हो जाना पानी इसमें का। देखिए पानी पूरा ख़त्म हो गया इसमें का, सूख गया पानी। इसको पीस लेंगे हम। अब हम कुकर चढ़ा लिए गैस पे, इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। मटन ले लेंगे हम, धो के छन्नी में डाल के रख ली थी मैं मटन को। 1/2 किलो मटन है ये, 500 ग्राम। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1/2 स्पून जितना। मिला लेंगे हम इसको। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, जो हम मंदी मसाला बना लिए थे पाउडर वो डाल देंगे हम इसमें 1 स्पून जितना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1/2 स्पून से भी कम। मिक्स कर लेंगे फिर से। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल के 70% तक हम इसको गला लेंगे। इसका सिर्फ हमको स्टॉक होना, इसका पानी होना हमको मटन का, क्योंकि ये पानी हमको मंदी में ऐड करना है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। इसीलिए मैं अलग से इस तरह से मटन को 70% तक गला के ले रही हूँ। ये देखिए मटन 70% तक गल गया। अब हम इसको गोश्त को और पानी को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम कुकर चढ़ा लेंगे गैस पे, तेल डाल देंगे हम इसमें जितना हमारे ग्रेवी के लिए ज़रूरत है उतना। अब हमें जो मटन गला के रख लिए थे वो मटन ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे तेल में अच्छे से।
अब हम फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें 1 स्पून। भून लेंगे हम अदरक लहसुन को। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून। हरी मिर्ची का पेस्ट ली मैं, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए जितना आपको लगता। मिर्च डालने के बाद में हम फिर से भून लेंगे इसको। आप चाहें तो डायरेक्ट सालन भी बना दे सकते, इसका ग्रेवी भी बना दे सकते, लेकिन जो इसका गोश्त का जो पानी हम गला के निकालते ना, वो मंदी में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता। अब हम इसमें मंदी मसाला डाल देंगे। दो स्पून मंदी मसाला डाली मैं। डालने के बाद में फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीना डाल देंगे। मिला लेंगे हम फिर से। इतना मज़े की बनी थी ये मंदी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। 3 स्पून जितना दही डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से फोड़ लेना पूरा डालने के बाद में। अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम जो मसाला पीस बना लिए थे उसको पीस के ले ली मैं। प्याज, काजू और हरी मिर्ची का पेस्ट है ये। जार को खंगाल के इसका भी पानी डाल देंगे हम। कुछ देर के लिए मसालों को भून लेंगे हम। कुछ देर मसाले भुनने के बाद में हम इसमें छोटी गिलास से 1 गिलास जितना दूध डाल देंगे। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता दूध से और क्रीम से। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास जितना। अच्छे से मिला लेंगे हम इसको। और थोड़ा पानी डाल देंगे हम इसमें। पूरा 1.5 गिलास जितना पानी डाली मैं इसमें। अब हम जो 30% के लिए गलाना था गोश्त, ढक्कन ढाप के हम 30% तक गला लेंगे गोश्त को। ये देखिए 30% जो बाकी था वो भी गल गया। इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको ढक्कन ढाप के 10 से 15 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया, रेडी हो गई ग्रेवी। सालन रेडी हो गया मंदी का। तो चलिए अब हम मंदी राइस बना लेंगे। इसके लिए बर्तन भगोना ले ली मैं।
भगोना गरम हो गया। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये काजू बादाम तल के निकाली थी मैं ड्राई फ्रूट्स, वही तेल है ये। साथ में हम घी भी डाल देंगे। प्याज डाल देंगे चॉप की हुई, एक मीडियम साइज की प्याज ली मैं चॉप करके। भून लेंगे हम प्याज को। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, 1 से 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं। अदरक लहसुन को भी भून लेंगे हम। प्याज को ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन को। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 1 स्पून हरी मिर्ची डाली मैं। हरी मिर्ची को भी भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून से भी कम। मंदी मसाला जो बना के रख लेते हैं हम वो डाल देंगे। 3 स्पून मंदी मसाला डाली मैं। मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, 1/2 स्पून से भी कम। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीना डाल देंगे। अब हम इसमें मटन स्टॉक डाल देंगे, जो गोश्त गला के पानी निकाले थे हम वो डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। साथ में हम और पानी डाल देंगे, जितना हम 2 ग्लास चावल है तो 3 ग्लास जितना पानी लेना, 1 ग्लास कम लेना क्योंकि बासमती चावल जल्दी गल जाते। अब हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ढक्कन ढाप के बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए बासमती चावल को 1 घंटा पहले धो के भिगने रख दी थी मैं, पानी में उबाल आ गया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को 1 घंटा पहले भिगने रखिए आप बासमती चावल को। चावल पूरे डाल दिए मैं इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे आप एक बार नमक भी टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो और ऐड कर दीजिए। लेमन ले लेंगे, 1 स्लाइसेस कर ली मैं इसको। मेरे पास काला नींबू नहीं था, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं ताज़ा नींबू को कट करके ले ली स्लाइसेस। इससे भी बहुत टेस्ट अच्छा आता। ढक्कन ढाप के हम पका लेंगे इसको। बीच बीच में 1 से 2 बार मिक्स करना। ये देखिए पानी पूरा कम हो गया। फिर से हम एक बार लास्ट बार इसको मिक्स कर लेंगे। बस ज़्यादा भी मत हिलाइए, नहीं तो चावल टूट जाते। ऊपर नीचे कर लेंगे चावल को। अच्छा पूरा सेट कर ली मैं, बराबर कर ली चावल को। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीने से गार्निश करेंगे इसको दम के लिए।
प्याज डाल देंगे तली हुई, प्याज को तल के निकाल ली थी मैं। अब हम ढक्कन ढाँप के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे। ढक्कन को हम कपड़ा लगा के दम देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया, रेडी हो गई मंदी राइस भी। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए चावल और खिले खिले बने चावल। चलिए हम डिश आउट कर लेंगे। तले हुए प्याज डाल देंगे हम पहले। ड्राई फ्रूट्स को तल के निकाली थी मैं, किशमिश और काजू बादाम को। ये भी डेकोरेट कर देंगे, इस पे डाल देंगे, बहुत अच्छा दिखता है डालने से। जब भी आप मंदी बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है मंदी। बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना भूल जाएंगे आप। चलिए हम ग्रेवी को भी निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोथमीर से गार्निश कर लेंगे हम, कोथमीर और पुदीने से। ये देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच और टेस्टी बनी थी। इसके चावल भी बहुत खिले खिले मज़ेदार बने थे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।